अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ सकती हूँ, ये हाथ जो थामा है वो कभी नहीं छूटेगा, हमेशा ढूंढ लूंगी तुम्हें। किसी और आदमी का हाथ पकड़ लिया था तुमने। अमरोली सॉरी, वो पता नहीं कैसे, मुझे लगा आप। बेटा कोई बात नहीं, तुमने भी मेरी बहू उर्मिला की तरह गलत आदमी का हाथ पकड़ लिया। इट्स ओके, होता है ऐसा। जया चलो यहां से, ऐसा वाहियात गेम हमें खेलना ही नहीं चाहिए था। जितनी जल्दी हो सके इस जान की को इधर से निकालना पड़ेगा। ये यहाँ रही ना तो इसके दिमाग में पड़ी धूल धीरे धीरे हट जाएगी। उत्कर्ष, अमरोली सॉरी, सच में पता नहीं कैसे मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। जो हो गया सो हो गया, छोड़ो इस बात को। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि मैं तुम्हारा पति हूँ और वेदांत तुम्हारा बेटा, और उस रघुवीर से दूर रहना। तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैं एक्सक्यूज मी माला वाला, माँ जी ने माता रानी का प्रसाद बंटवाने के लिए कहा था, लीजिए। खा लीजिएगा, मौका आ गया है अपने काम को अंजाम देने का। मैं जानकी को ना खीर में बेहोशी की दवा डाल कर दूंगी, फिर तू अपना काम करना।
I'm sorry, जानकी। वेदांत के लिए मैं तुम्हें कभी पता चलने नहीं दे सकता कि तुम जानकी हो, जया ने, और इसीलिए मैं आज तुम्हें यहाँ से ले जाकर ही रहूंगा। क्या हुआ जया? अचानक से पता नहीं चक्कर आ रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, आ आराम से। तुम ठीक हो? मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। जानकी माँ, आप ठीक हो ना? मुझे बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। क्या हो गया आपको जानकी माँ? चलो आप लेट जाओ, मैं आपको लेटाती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। और मैंने कहा ना तुमसे, मैं नहीं हूँ तुम्हारी जानकी माँ, मैं जया हूँ। जया तुलसी, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन मैं इस वक्त ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। तुम प्लीज जाओ अब यहाँ से, मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ। प्लीज समझो। ठीक। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। गरबे वाले ड्रेस में कोई घूमना भेस बदल के आया है, पर वो गरबे क्यों घूम रहा है? जरूर कोई माला की चाल है। ताई, आपने इसको बेहोश तो कर दिया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, मैं इसको बाहर लेकर कैसे जाऊंगा? अगर किसी ने देख लिया तो? माला? मतलब माला ने शांति माँ की तबीयत खराब की है? तू काहे को टेंशन ले रहा है? तू इतनी देर से ऐसा भेस बदल कर घर में घूम रहा है, किसको मालूम पड़ा? नहीं पड़ा ना? अभी थोड़ी देर में ना सब सोने चले जाएंगे, फिर उसके बाद तेरा रास्ता हो जाएगा साफ। उसके बाद जानकी के कमरे में जाना, उसे बैग में डालना, चुपचाप उसे लेकर इधर से निकल जाना, किसी को शक नहीं होगा, तू टेंशन मत ले। और तू इतना क्या सोच रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ, मैं जाएगी तेरे साथ, घबराने का नहीं। ठीक है, पास करने का नहीं। सब कुछ रेडी है। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो भी करना आराम से करना, जया को जरा से भी चोट नहीं आनी चाहिए। सेठ, माला के साथ? क्या उत्कर्ष जी, आप भी इतनी चिंता? कभी कभी तो मेरे को ही शक हो जाता है, कहीं मैं सचमुच में आपकी पत्नी तो नहीं? आप टेंशन मत लीजिए, ये सब करेगा, सारा काम अच्छे से बरोबर हो जाएगा। वन पीस में मिलेगी आपको आपकी पत्नी। इसका मतलब मेरा शक सही था, वो जया नहीं जानकी माँ ही है। उन्होंने झूठ बोला मुझसे कि वो वेदांत की माँ है। पप्पा सेठ, मेरा विश्वास सही था, और ये बात मुझे सेठ के सामने साबित करनी पड़ेगी। लेकिन उसके पहले मुझे जानकी माँ को बचाना पड़ेगा, मैं उन्हें कहीं नहीं ले जाने दे सकती। एक बार जानकी गायब होगी तो सारा इल्जाम आएगा रघुवीर पर, और फिर मैं हमेशा के माफी रघुवीर को जाकर बचा लूंगी और फैमिली के सामने बन जाऊंगी महान।
आपको आपकी जया मिल जाएगी और मुझे रघुवीर। बस ये चुहिया, ये जो तुलसी है ना, जो मेरी कुंडली में ऐसा राहु बन के बैठ गई है, वो कोई गड़बड़ ना करे। क्योंकि अगर उसने कुछ गड़बड़ की ना, तो अपना प्लान छोड़िए, मैं एक बार जाके देख लेती हूँ कि तुलसी अपने कमरे में है या नहीं। और तू काम बराबर करना, ठीक है? मुझे किसी तरह माला से पहले तुम्हें पहुंचना पड़ेगा। करण की तरह सो रही है। अच्छा है चुहिया, ऐसे ही सोती रहने का। तू ऐसे सोएगी ना तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। दरवाजा तो बाहर से लॉक कर दिया, अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? पंटे भैया तो मेहमान को छोड़ने गए हैं, और कजरी दीदी और गमला, वो तो फैक्ट्री के फंक्शन में छोटे सेठ और छोटे सेठ रानी के साथ गए हैं। अब क्या करूं? मुझे बाहर निकालो वरना माला जानकी माँ को लेकर चली जाएगी। प्लीज दरवाजा बंद कर, जल्दी से बैग खोल। अगर ऐसे किया माला को आवाज आ जाएगी और उसको मुझ पे शक हो जाएगा कि मैं बाहर निकलना चाहती हूँ। क्या करूं? ले तेरे काम के पैसे, पकड़ जल्दी, अभी हो गई ना पैकिंग, अभी इस मुसीबत को फटाफट इधर से लेके जा।
थैंक यू पप्पा सेठ। प्लान कामयाब हो गया। अच्छा तुमने अपने आदमी से कह दिया कि उस बैग को मेरी गाड़ी के पीछे वाली सीट पे रखवा दे। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? एक मिनट, ये लो। पूरे हैं? पूरे। अब जाओ। पानी से क्या? जाओ। माला ने इनको नशे की दवा पिलाकर इन्हें बेहोश किया है। वो माला का आदमी था, इन्हें किडनैप करने आया था। तुलसी, जया माथुर को माला का आदमी क्यों किडनैप करेगा और माला क्यों किडनैप करवाएगी? जया नहीं जानकी माँ, माला को पता है ये जानकी माँ है। ये माला का कुछ करना पड़ेगा, इसका सच सबके सामने लाके इसे पुलिस के हवाले करना पड़ेगा ताकि ये जेल चली जाए। पर कैसे छोटे सेठ, अगर हमने उस माला के आदमी को पकड़ लिया होता ना तो हमारे पास माला के खिलाफ सबूत होता। बिना सबूत के माला तो सब कुछ झूठा साबित कर देगी। थैंक यू छोटी सिटानी। तुलसी बेटा, थैंक यू क्यों बोल रही हो? मैं तो अपना पुण्य का पलड़ा भारी कर रही हूँ और मैंने बोला था ना कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तीनों एक ही टीम में हैं। माला के खिलाफ तुम्हारी ये लड़ाई में हम तुम्हारा 100% साथ देंगे। वक्त बुरा हो तो गधे को भी पाप बनाना पड़ता है तुलसी। बस एक बार माला से पीछा छूट जाए फिर तेरा नंबर लगेगा। वैसे तुलसी बेटा, हम ये साबित कैसे करेंगे कि वो जया माथुर नहीं हमारी जान की भाभी है? पापा से कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देंगे। और वो रास्ता क्या होगा वो मैं आप दोनों को पहले से नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं आप दोनों पे पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकती।
अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। काकी, आप प्लीज मेरी मदद करोगे क्या? आप याद करके बताओगे कि जानकी मैं आपको किस दिन मिली थी? बेटा, हमको अच्छे से याद है, उस दिन दही हंडी थी जिस दिन तुम्हारी माँ हमको मंडू घाटी में मिली थी। एक मिनट रुको। वो जिस दिन हमें मिली थी उसके गले में ये मंगलसूत्र था। जानकी माँ का मंगलसूत्र है। वो उत्कर्ष सेठ ने हमको इतने सारे फोटो दिखाए कि हम सबको यकीन हो गया कि वो जया ही है। और बेटा, सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि हम उसे ये देना ही भूल गए। थैंक यू काकी, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की। अब मैं इस मंगलसूत्र से साबित करूंगी कि वो जया माथुर नहीं, मेरी जानकी माँ है। और मैं ये बात पापा को भी बताऊंगी कि वो मेरे सेठ नहीं, मेरे पापा है और मैं उनकी असली बेटी हूँ, असली वृंदा। तो इसका मतलब उत्कर्ष सेठ ने हमसे झूठ बोला? लेकिन ऐसा क्यों किया? काकी, हो सकता है कि सेठ के ये सब करने के पीछे कोई मजबूरी हो, लेकिन अब सबूत मिल गया है ना, तो मैं ये बात सबके सामने लाके ही रहूंगी। तुलसी, क्या हो गया? हम सबको क्यों बुलाया यहाँ? सच बताने बड़ी सिठानी, मैंने सब लोगों को पहले भी कहा था, किसी ने भी मेरी बात पे भरोसा नहीं किया, लेकिन इस बार मैं सबूत के साथ आई हूँ कि वो जया सेठानी नहीं, मेरी जान की माँ है।